सामने इस वक्त आई एम सॉरी, इस वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, मगर मगर क्या? मैम आज मेरा दिल चाहता है मैं आपसे अपने बारे में बहुत कुछ क्लियर करूं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैं पर्सनली वेल ऑफ नहीं हूं, मेरे भाई और भाभी अमेरिका में होते हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, और मैं जो गाड़ी यूज करता हूँ वो भी उनकी दी हुई है। अच्छा, तो आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं भी तुम्हारी तरह स्ट्रगल कर रहा हूँ और अपनी मेहनत के बलबूते पर अपना मकाम बनाना चाहता हूँ। तो अच्छी बात है। अच्छा, मुझे तुम्हारी अना और खुददारी अच्छी लगती है, तुम्हें सपोर्ट करके मुझे ऐसा लगता है मैं खुद को सपोर्ट कर रहा हूँ। थैंक यू। तुम जानती हो मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ? क्यों? तुमने कहा था तुम मेरी मोहब्बत अफोर्ड नहीं कर सकती मेरे स्टेटस की वजह से। अब तो तुम्हारा और मेरा स्टेटस एक जैसा है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यकीनन तुम्हारे जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने अपने पास से तो ये कहानी नहीं गढ़ी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही मेरी हकीकत है और सच्चाई भी। ट्रस्ट मी। ये ले। आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। आज इतने दिनों बाद अपनी दोस्तों से मिली, इतना मजा आया ना आज। आपको चेहरे से पता लग रहा है। ये तो बताना ही भूल गई। ये देखें, मेरी दोस्तों ने ना मुझे शादी का गिफ्ट दिया है, गोल्ड की रिंग है। वैसे ये रिंग न्यू नहीं लग रही, लगता है पहले किसी ने पहनी हुई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ मुझे क्या मालूम ऐसी बात होगी। वैसे फराज, अपने अमीर दोस्तों को देख के ना मुझे अपना आप बहुत कमतर फील होता है। जाहिर है क्लास डिफरेंस इंसान को ना कॉम्प्लेक्स का शिकार बना रहे, लेकिन मैं अपनी क्लास के दोस्त से बना। लेकिन आपके पास तो एक अपॉर्चुनिटी है ना, आप गाड़ी बैंक से ले लें। नहीं नहीं हर माह इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है, घर का रेंट है, बिजली का बिल है, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आप मेरी कोई ख्वाहिश तो पूरी कर दें। मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप गाड़ी ले लें बस। मुझे बहुत शर्म आती है बाइक पे जाने से। शर्म क्यों? मुझे नहीं पता, बस आप गाड़ी ले लें।